नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है, मोतिहारी जिला अंतर्गत चकिया के गणिनाथ मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री निवास जी ने एबीवीपी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के लिए मतदान 3 नवम्बर को होगा। सभी मतदाता अपने वोट का महत्व समझते हुए उस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मजबूत लोकतंत्र की नींव मताधिकार के बल पर ही रखी जा सकती है, इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए 100% मतदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। अपने वोट से मतदाता मनपसंद प्रत्याशी को चयन कर सकते हैं। कहा कि हमारे देश में युवा सबसे अधिक है। लोकतंत्र की मजबूती में ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एबीवीपी लगातार प्रयासरत है और कार्यकर्ता शहर से लेकर गांवों का दौरा कर लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि 100% मतदान हो सके। रिपोर्ट अमितेश कुमार, रवि मोतिहारी। विधानसभा के 3 विधानसभाओं के यहां विद्यार्थी परिषद के छात्र युवा यहां पर एकत्रित हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव ये बिहार के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चुनाव में राष्ट्रीयता के मुद्दों के साथ साथ बिहार की शिक्षा, बिहार के रोजगार और बिहार के विकास के साथ ही बिहार में महिलाओं के लिए, उद्योग के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए कैसा वातावरण बनना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री को चलाने वाली शक्तियां कौन हो, इसका निर्धारण करने का चुनाव है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी देश प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर रही है कि पहली बात तो अपना मतदान 100% करना है, साथ ही इस मतदान में जाति, भाषा, लोभ लालच से ऊपर उठकर बिहार के संभावनाओं के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के छात्रा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बिहार में शिक्षा के और अवसर आए उसके लिए, और इसलिए जो एक बात पूरे बिहार में चल रही है 15 साल बनाम 15 साल, उसके आधार पर हम बिहार को किस ओर लेकर जाएंगे वो तय करने का काम बिहार का पहली बार का और युवा मतदाता करने वाला है। इसलिए आज इस पूरे जागरण अभियान में महिलाओं से, शिक्षकों से, व्यापारियों से और पहली बार मतदान करने वाले बिहार के सभी मतदाताओं से हम आह्वान कर रहे हैं कि अपना वोट जरूर डालें और कोरोना के समय जो चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर बहुत प्रकार के सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है, इसलिए लोकतंत्र में जो हमको राइट टू इलेक्ट किया है उसका अधिकार जो हम सब लोग उपयोग करें, यही अभियान पूरे बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चला रहा है। अपना मतदान 100% हो, इसी का संकल्प हम युवाओं को करा रहे हैं और उसी के निमित्त आज यहाँ पर इस चकिया में भी ऐसे सैकड़ों युवा आज लोकतंत्र को बचाने के लिए, 100% मतदान करने के लिए और विकसित बिहार का संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हैं।